नुकसान कर दिया भाई गुरु ने। भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर 24 डेज में मेरे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 23rd ऑफ नवंबर और कल तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया यार, क्योंकि कल कुछ था ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही बोरिंग था। तो आज का तो ये है कि अभी 8:30 हो रहे और मैं डिसाइड कर रहा हूँ भाई आज से जिम भी जाना शुरू करूँगा। बहुत ही मतलब अब यार वो है, मैं जिम फ्रीक हूँ भाई, तो आदत है नहीं ऐसे घर पे बैठने की। अब हफ्ता हो गया घर पे बैठे, बोर सोने लग गया हूँ और ठीक भी हो गया बैक, तो सोचा जिम जाता हूँ। पहले तो उदय ने मैथ्स का काम भेजा हुआ है, वो ख़त्म करना है, उसके बाद जिम जाऊँगा। और आज से अपनी पैकिंग भी शुरू करनी है और कल एक और से आपको हो गया था, जो मेरे दोनों सूट केस हैं, एक तो ठीक है, एक जो रेड वाला था ना उसकी जिप टूट गई कल, तो वो कंपनी में अब ठीक होना दिया, वो बैग चला गया, उसके अंदर से सारे बर्तन बाहर हैं, ब्लू वाले से भी सारे कपड़े बाहर हैं, मेरा सारा सामान खिंडा हुआ है। आज जो बर्तन वाला काम है वो सारा पैक करना शुरू करेंगे, शीट्स आ गई हैं, तो लैमिनेट अपना लैमिनेट कह रहा हूँ, बर्तन लैमिनेट थोड़ी होते हैं, मतलब कि बर्तन पैक बुक करके सारा अंदर सामान डालना शुरू करेंगे, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, पहले मैं उसका काम कर लूँ उसके बाद जिम निकलते हैं। 3 hours later मैं जिम से तो आ गया भाई, ये तो प्रूव हो चुके हैं, जिस दिन ज़्यादा मन नहीं होता ना, जिस दिन मतलब बिल्कुल मन नहीं होता ना कि यार छोड़ भाई क्या जाना है, उस दिन ज़्यादा होता है। आज जिम गया, एक तो ट्रेनर कहता तू मिक्स कर, मैं कहा ठीक है मिक्स कर लेते हैं भाई, हर पार्ट की दो दो होगी 10 एक्सरसाइज बस ऐसी, शोल्डर तो अभी मैं करके नहीं आया तो। और मेरे को जान के बड़ी खुशी हुई भाई कि मेरा जो जैसे मैं वेट उठाता हूँ जितना उतना ही उठा रहा हूँ, मेरा कोई वेट गिरा नहीं है, कि मैं हफ्ता ब्रेक ली थी तो वेट मैं बिल्कुल 2.5-3 किलो पे आ गया हूँ, वैसा कुछ नहीं हुआ है तो सही है। और बैक भी ठीक है और मैं अब मशीन्स पे ज़्यादा रिलाया कर रहा हूँ, मैं फ्री वेट कम से कम करूँगा, फ्री वेट में क्योंकि झटके बचते हैं, तो मशीन से जितना हो सकता है मैं उतना मशीन पे करूँगा। और अब ये देखना मेरा सामान दिखाता हूँ आपको कैसे खिंडा हुआ है, ये देख लो स्टैची पे सारा खिंडा हुआ है, ये रे वो दो बैग, इस ब्लू बैग में आज सारा सामान भरना है और ये रोल पड़ा हुआ है, इसी रोल से आज बर्तन बर्तन पैक करने शुरू करेंगे। वैसे फाइनली खाना वगैरह खा लिया और अब पैकिंग शुरू करता हूँ, मन तो आज मेरा बिल्कुल नहीं है, पर वो यह कभी तो करनी है तो आज कर लेते हैं। ब्रीफ केस खुल चुका है और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो है जो पैक करने का रीज़न, इतनी बड़ी जो मैं शीट लेके आया हूँ भाई, पहले तो मैं ये लेके नहीं आया हूँ, ये किसी नोन के घर पड़ी हुई थी, मैंने वहीं से ले ली है, तो ऐसा नहीं कि स्पेशल खरीदा मैंने इतना मोटा रोल, जितना यूज होगा ठीक है बाकी मैं वापस कर दूंगा। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, एक तो देखो खड़कना तो है ही है कि फ्लाइट में खड़केंगे, ऊपर से भाई ये रोल कर दूंगा ना, ये वो वाली शीट है जो कि चिपका देगी सारी चीज़ों को, तो उससे क्या होगा मैनेज रहेगा सारा कुछ, जैसे प्लेट्स होगी, गिलास हो गए, चम्मच वगैरह, एक ही रोल कर दूंगा उसका और वो टैची में चला जाएगा, उससे काफ़ी चीज़ें मैनेज रहेंगी। और ऊपर से वहाँ पे रूम में जा रहा हूँ तो वहाँ पे पहले से बर्तन है, तो जितनी मुझे नीड होगी मैं उतना उतना सामान खोलता रहूँगा। तो पैकिंग करना शुरू करते हैं, मैं ट्रैपॉड पे एक जगह फ़ोन लगा दूंगा और आपको बताता भी रहूँगा। या पैकिंग तो शुरू हो गई थी भाई, दो बार पोपट हो चुका है, दोनों बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपना पैक पुक कर लिया और बाद में देखा मैं ही कट गया उसमें से। पैकिंग मतलब इन द सेंस अभी एक स्टैक हुआ है, ये हो चुका है, अभी मैं बाकी करता हूँ, तो बाकी एक तो टाइम लैप्स लगा देता हूँ मैं, वो आप इन्जॉय करो, सारा यार मैं नहीं दिखा सकता, ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, जब एक बार सारा पैक हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको टैची के अंदर दिखा दूंगा कैसे सब क्या रखा है। मेरी पैकिंग ना मतलब रैपिंग वगैरह 2:15 बजे हो गई थी, उसके बाद ना बियर मैंने भी लाया, बियर को मैं कहा कुछ पूछना था मेरे को फ्लाइट से रिलेटेड, वो बातों में लग गए भाई, दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, 4:45 हो गए हैं तब के लगे हुए हैं। और अब मैंने थोड़ा अपना पैक बुक स्टेशनरी मैंने पैक कर दी थी और अब मेरे ब्रीफ केस का हाल ये है, ये देख लो मैनेज है सारा कुछ, अगर आप पहले देखते ना भाई पहले बहुत खेंडा हुआ था ये, अब अच्छी तरह लगा दिया है तो ये सब तो हो गया है। और अभी बेडशीट वाला इसी ब्रीफ केस में ना कपड़े छोड़ के सारा कुछ डलेगा, तो इसका वेट भी बाद में देख लेंगे, कपड़े वगैरह तो यार वो ये टैची गया हुआ है तो ये सारे कपड़े एक बार मेरी अलमीरा में जाएंगे। ये थोड़ा बहुत सामान बचा है, ये डब्बे डुब्बे भी मैं पैक नहीं कर रहा, इसमें सामान डलेगा अगर जगह हुई तो एक बार टॉयलेटरीज वगैरह भी पैक कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस एक घंटे के बाद फाइनली सांस चढ़ गया भाई, What? सारा एक टैची मेरा पैक हो चुका है, अब मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। एक साइड तो आपने देख लिया था भाई, इस साइड देख लो टॉयलेटरीज, और यार इधर ये जो बैग बुक डाल रहा है ना भाई निकलेगा, इसके नीचे सारी जगह खाली है, इसके नीचे ना ये जो अभी कंबल पड़ा है भाई ये वैक्यूम होके उसके बाद ये इधर आएगा। बाकी जो हैंडबैग है बियर से काफ़ी बात हुई है यार, एक बंदा गया हो ना काफ़ी सारा लग जाता है, उसने बता दिया हैंडबैग में क्या क्या रखना है, तो वो बाकी बाद में पैक करना शुरू करेंगे यार, एक हो गया बहुत है, इसको बंद करते हैं, आगे अपना नहाते धोते, सुबह का नहाया नहीं हूँ, जिम जाया है फिर भी नहीं आया, तो वैसे नहा तो मैं लिया हूँ यार। और
अभी भी इतना काम खिंडा हुआ है ना, आज तो ये सारा ड्राइंग रूम साफ करना ही है। देख लो अभी ये हैंड बैग खिंडाया है, वो सामने सोफे पे सामान है वो सारा धोने वाला है, हैंकरचिप्स है, टावल्स हैं, ये कपड़े अलमारी में जाने हैं, सामान है, यहाँ भी सामान है, वहाँ भी सामान है, सामान ही सामान है हर जगह। ये हैंड बैग पैक करना शुरू करता हूँ, देखना भी है क्या क्या डालना है इसके अंदर, पता ही नहीं यार। ये देखना नुकसान कर दिया भाई ब्रू, उन्होंने चढ़ गया कपड़ों पे, देखना पूरी पेंट पे बाल ही बाल, इसी चीज़ का डर था, तभी मैं चाहता हूँ मेरे कपड़े सारे अलमारी में चले जाएं, देखना अभी भी कहीं नहीं जाते यार ये। भाई क्यों कर रहे हैं तू ऐसे मेरे को दुखी, भोली शक्ल बना देगा, छोड़ो चलो गए शुरू करते हैं एक बार। तो फाइनली इसमें सारा सामान आ गया है, अब मैं बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। एक तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, फॉर एग्जाम्पल हैंकरचिप्स हो गए, दो पेयर अंडर गारमेंट्स का हो गया, एक मतलब वार्मर का एक सेट हो गया, और इसमें मैंने डाला है एक हैंकरचिप डाला है, हैंकरचिप नहीं सॉरी हैंड टॉवल डाला है, एक रेनकोट डाला है, एक अम्ब्रेला मैं उसमें डाल चुका हूँ, तो अब वो अम्ब्रेला इसमें से निकाल के इधर डालना है अपने वाले में हैंड बैग में, और एक टी शर्ट होगी, एक स्वेट शर्ट होगी, एक पजामा हो गया, जैकेट तो मैं पहन के जाऊँगा, तो आप भी अगर पैक कर रहे हो सब कर लेना, और भाई कोम वगैरह अपनी इसी में डाल देना, कोम होगी और थोड़ी जगह छोड़ देना डॉक्यूमेंट्स की, दवाइयों की भी थोड़ी जगह छोड़ देना, और क्या छोड़ देना है, हाँ ग्लव्स भी हैं, ग्लव्स भी रह गए हैं, मफलर भी डालना है, तो वो सब अपना डाल देना। अब इसको बंद करते हैं, जितना ज़्यादा मैं पैक करने की कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा खिंड जाता है, देखना अब वहाँ पर खिंड गया, यहाँ पे तो ये भाई मेरे कपड़े ख़राब करने लगा ही हुआ है, ये भी खिंडा हुआ है। तो ऐसा सारा सामान हो गया है पैक फाइनली, कपड़े सारे गए अलमीरा में, और जो जो करना था अभी देख लो कितने प्यारे तरीके से सारा सामान यहाँ पे आ गया। और ये बात है कि आप सोचोगे कि मम्मा कुछ नहीं करा रहे हैं, तो एक्चुअली मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो मम्मा कहते हैं तो तू वीडियो बना ले, ये मेरे से सामान पैक करा ले, तो जब भी पैक हो जाता है ना उसके बारे में दिखा देता हूँ मम्मा को, तो सारा बड़े तरीके से हो गया। बस दूसरा जैसे जिस दिन भी वो ठीक होकर आ गया अभी कॉल करूँगा, उसके बाद ही सारा काम कर लेंगे, कपड़े भी डाल देंगे उसमें, फिर वे कर लेंगे, वे का थोड़ा पंगा पड़ रहा है, मशीन ही नहीं मिल रही, तो ऑनलाइन देखता हूँ अगर मिल जाए। और क्या रह गया, डॉक्यूमेंट्स रह गए भाई, फाइल्स निकल चुकी हैं, देखना चार सेट पड़े हैं फाइल के, हर एक डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल निकाल के कर देंगे, ये सारा काम अब कल करूँगा भाई आज नहीं। वैसे एक चीज़ और बता दूँ यार, मेरे को फाइडो की तरफ से मैसेज आ गया था, तो उनका सेम डिस्पैच जल्दी हो जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उन्होंने बस अराइवल डेट मांगी थी कि कन्फर्म करो आप ही हो, और मैसेज ये है कि जो सेम है आ तो इंडिया में जाएगा, लेकिन जब आप कैनेडा लैंड हो जाओगे तभी इंसर्ट करना अपने फ़ोन में स्लॉट वन में, तो वो सिम एक्टिव 24 to 48 आवर्स पहले ही हो जाएगा, लेकिन इंसर्ट अपना सिम कैनेडा पहुँच के ही करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप ऐसा मतलब इंडिया में ही कर लेते हो, एक्टिव है वो सिम चालू यहीं से हो जाएगा, और भाई पता है कितनी रोमिंग झाड़ रहे हैं वो लोग, $15 पर डे इंटरनेशनल रोमिंग, 900 से ऊपर बनता है ये, तो ये गलती मत करना, एक दिन का भी 900,000 रुपये क्यों वेस्ट करना है। तो वैसे अभी मैं सेक्टर 20 की मार्केट आया था, वही भूल कर आया, फोटोज उतनी खिंचवाई तो थी लेकिन दो दिन हो गए थे मैं ले जाने भूल गया उनको, तो मुझे अभी याद आया मैं वो लेने आया था, और आपको थोड़े दिन वही कैनेडा से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम पास आ चुका है, 20 के आसपास दिन रह गया है, तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं, तो ऐसे दिखेगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ यार, मैं जैसा कि आप सबको 17th December को मेरी दिल्ली से फ्लाइट है, तो अभी 17th अभी आज 23rd है प्रेजेंट में जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 24 days पड़े हैं मेरी फ्लाइट में। तो गाइस एक चीज़ है भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर इन 24 days में मेरे 250 सब्सक्राइबर हो गए, एट प्रेजेंट 143 है जो शूट कर रहा हूँ, अगर 24 days में 250 सब्सक्राइबर्स हो गए ना, मतलब 107 और चाहिए, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जो मैं वेटिंग एरिया में होऊंगा, मैं वहाँ से लाइव जाऊँगा यूट्यूब पे ही, तो जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब एयरपोर्ट घुमा दूंगा सारा, आपको दिखाऊंगा जब तक नेट होएगा मेरे पास, तो लाइव जाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया। यार अभी मैं मार्केट गया था और मैं एक स्प्रिंग बैलेंस लेके आया हूँ भाई, यही मिला मुझे, और अभी मैंने दोनों टैची का वेट कर भी लिया, वो कैमरा पे दिखा नहीं सकता मैं, बहुत भारी हो जाता है उंगली से उठाना, तो एक का जो हैंड बैग है उसका आया है 10.5 kg, जो कि 7 होना चाहिए, उसमें फालतू भरा है मैंने दूसरे बैग का भी, और जो बड़ा वाला बैग है उसका 23 से थोड़ा ज़्यादा है, 24 के बीच में है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, निकाल देंगे उसमें से थोड़ा सा सामान। तो वैसे अभी मैं ब्रूनो को नीचे लेके आया हूँ, और भाई ये मेरे दिन का लास्ट काम होता है, इस बार मैं कुछ नहीं करता, घर जाके सीधा बेड पे सो जाओ, और अपना ब्लॉग भी आ रहा है आज, मैं यहीं एंड करूँगा भाई, क्योंकि घर पे तो पापा कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम, वहाँ पे मैं शोर नहीं कर सकता। और गाइस याद रखना 250 सब्सक्राइबर्स, 17th December को मेरी रात को फ्लाइट है, उससे पहले कर दो, दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव जाऊँगा यूट्यूब पे, प्रॉमिस है मेरा। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।